नमस्कार, आप देख रहे हैं वैश्य व्यापार न्यूज चैनल। मैं आपके साथ माधुरी कश्यप। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के। इतिहास में पहली बार वैश्य समाज की प्रमुख घटक रोनियार वैश्य समाज का चुनाव बिहार सरकार के देखरेख में होने जा रहा है। सर्वाधिक है कि किसी भी संस्था का चुनाव कराने के लिए सरकार की दखलअंदाजी नहीं होती है, परंतु यहां अजीबोगरीब मामला प्रकाश में आया है। यह भी आपको बता के चले कि अखिल भारतीय रोनियार वैश्य महासभा पिछले 4-5 सालों से विवादों के घेरे में रहा है। यहां पर गुटबाजी, व्यक्तिगत स्वार्थ पद लुलुकता के कारण इस समाज के नेता इस समाज को ही नाश और बर्बाद कर दिया। परिणाम स्वरूप रोनियार समाज का भरोसा ही नहीं टूटा बल्कि दिल टूट गया। ऐसे में बिहार सरकार के रजिस्ट्रार ऑफिस में पहुंचा और मामले की जांच कराने के बाद इस संस्था को काली सूची में डाल दिया गया। अंत में गुटबाजी को देखते हुए रजिस्ट्रार ऑफिस ने जिला अधिकारी के देखरेख में चुनाव कराने का आदेश जारी किया और यह आदेश सालों धूल फांसती रही और समाज के लोग अपने नेताओं को कोसते रहे। ऐसे में इसी समाज के राजू रंजन उर्फ राजू गुप्ता ने चुनाव कराने का संकल्प ही नहीं लिया बल्कि पूरे देश में जन जागरण यात्रा कर टूटे हुए रोनियार समाज के दिल पर महरम लगाने का काम किया और सरकार से बातचीत कर 16 अप्रैल को चुनाव कराने का ऐलान कर दिया, जिससे रोनियार समाज में खुशी की लहर आई और डीएम ने आदेश जारी कर दिया। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के अलावा अनेक पदों का चुनाव होगा, जिसमें किश कुमार आजाद भी अध्यक्ष पक्ष के लिए दावेदार बताए जा रहे हैं। अखिल भारतीय रोनियार वैश्य महासभा के अध्यक्ष प्रत्साई जन जन के क्रांतिकारी समाज सेवी कुमार आजाद, जो कि अभी हर जनता की आवाज है, इनका ज्यादातर समय समाज के लिए और समाज में बीता है। कृष्ण कुमार आजाद जी किसी नाम के परिचय के मोहताज नहीं है। इनका सोचना है कि हमारा समाज कैसे सशक्त और मजबूत बने। इन सब बातों को लेकर और जनता के बीच में जनता से रूबरू होकर चल रहे हैं। उनका कहना है कि यदि जनता मुझे यह पद को देती है तो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा अपने समाज को अति पिछड़ा में शामिल करने का, हर जिला राज्य में रोनियार धर्मशाला निर्माण करने का, गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का और जो भी समाज में आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको कैसे मदद मिले, इन मुद्दों पर काम करना मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी और जनता इन्हें पसंद भी कर रही है क्योंकि यह जमीनी नेता हैं, जमीन से जुड़े लोग हैं और वास्तविकता को समझने वाले लोग हैं। तो ऐसे नेता की समाज में जरूरत है जो कि अध्यक्ष पर रहते हुए समाज को एकजुट करके और समाज को एक विकसित समाज बना सके। अप्रैल को गेटवे पब्लिक संग्रहालय में जो होने जा रहा है 16 अप्रैल दिन रविवार 8 बजे सुबह से 4:30 बजे मतदान होगा। एक एक व्यक्ति संसाधन के साथ पटना पहुंचकर एक बार, कृष्ण कुमार आजाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं, आप मुझे मौका दें। मेरा पूरा विश्वास है कि मैं बिहार और देश के हर कोना में समाज को मजबूती प्रदान करूंगा। चलिए, हमारे चैनल से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। सभी खबरें देखने के लिए बने रहिए वैश्य व्यापार न्यूज चैनल के साथ। नमस्कार।